Very good morning to all. Today we are starting with cash management. पहले आपको थोड़ा सा लिखवा देते हैं, फिर बात करते हैं. लिखिएगा, कैश मैनेजमेंट क्या होता है. कैश मैनेजमेंट इंप्लाइज making sure that all the business generated revenues are effectively controlled and utilized in best possible manner. It requires making optimum use of cash available with the company and maximizing the return on any spare fund. Not currently required by the company. हम लोग को समझना है कैश मैनेजमेंट क्या होता है. पहले आपको मैनेजमेंट इन जनरल टर्म्स बताएंगे कि मैनेजमेंट इन जनरल टर्म्स क्या है, और फिर रिलेट करेंगे मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ कैश. मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, एक से अधिक अल्टरनेटिव का होना. अगर आपके पास एक से अधिक अल्टरनेटिव नहीं है तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते. आपके पास एक से अधिक अल्टरनेटिव होना चाहिए. दूसरी बात, दोनों अल्टरनेटिव के, एक से अधिक जो अल्टरनेटिव हैं, उनके प्रोस एंड कॉन्स होने चाहिए. मतलब हर अल्टरनेटिव के अपने कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है. मतलब ऐसा नहीं है कि एक अल्टरनेटिव हर मायने में बेहतर है और दूसरा अल्टरनेटिव हर मायने में बेकार है, तो यहां डिसीजन मेकिंग नहीं होती. तो डिसीजन मेकिंग के लिए एक से अधिक अल्टरनेटिव होना जरूरी है. दूसरा, हर अल्टरनेटिव के अपने कुछ फायदे और नुकसान होना भी जरूरी है. चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या मैनेजमेंट होता है. मान लीजिए आपको सिर्फ एक ही लड़की दिखाई जाए, तो बताइए कोई डिसीजन मेकिंग है? नहीं, इसी को बस पसंद करना है, इसी से शादी करनी है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है. आपको दो लड़की दिखाई जाए, ठीक है, एक पढ़ी लिखी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही सुंदर भी है, दूसरी लड़की कम पढ़ी लिखी, सीए भी नहीं है, अब कोई डिसीजन मेकिंग है? अल्टरनेटिव एक से अधिक है? नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है. डिसीजन मेकिंग कब है? जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ी लिखी लड़की है, दूसरी वाली सुंदर है, बिल्कुल अपनी कैटू जैसी, कैटरीना. ठीक है, तो अब बताइए, अब डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है कि नहीं? अब डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है. एक कहेगा कि नहीं, हमको तो पढ़ी लिखी वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, दूसरा कहेगा कि नहीं, हमको तो वो सुंदर वाली चाहिए. डिसीजन मेकिंग के लिए एक से अधिक अल्टरनेटिव होना इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि हर अल्टरनेटिव के अपने कुछ फायदे हैं तो साथ में नुकसान भी है. लेट अस नाउ नो मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ कैश. कैश के टर्म्स में मैनेजमेंट क्या है? निश्चित है कैश के कुछ फायदे भी हैं, कैश अधिक रखने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है. कैश कम रखते हैं तो उसके भी कुछ फायदे हैं और साथ में नुकसान भी है. अगर आप ये कह पाते कि कैश ज्यादा रखने से फायदा ही होता है,
तो कैश की कोई मैनेजमेंट नहीं होती। अगर हर कोई यही कह रहा होता कैश कम रखने के ही फायदे हैं, तो कैश में कोई मैनेजमेंट नहीं हो रही होती। मैनेजमेंट तभी है जब आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं और उस अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करने का हर कोई का डिसीजन अलग अलग होता है। डिसीजन मेकिंग तभी जब हर कोई डिसाइड अलग तरीके से करता हो। चलिए कैश अधिक रखने के फायदे समझते हैं। कैश अगर आपके पास अधिक होता है तो आप बिजनेस की हर एक अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हो। कभी भी आपको बिजनेस में एक ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आज रॉ मटेरियल खरीद लिया जाए तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अगर आपके पास उस दिन कैश अवेलेबल नहीं है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लूज कर देते हो। और अदरवाइज आपका तो बैंक में पैसा इन्वेस्टेड था, वो 7-8% हो सकता है साल भर में दे रहा हो, हमें तो एक दिन में 10% का फायदा मिल रहा था उस पैसे का, लेकिन मेरे पास कैश अवेलेबल ना होने की वजह से हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाए। लेकिन मान लीजिए हम कैश साल भर तक रखे रह जाते हैं और कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती ही नहीं है, तो ऐसे में हम पैरेलली इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। आप कैश अधिक रखते हो तो एक ऑप्शन है कि कभी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप अधिक कमा लो। दूसरा ये भी दर्द होता है कि पता नहीं हम साल भर तक पैसा रखे रह जाए और हो सकता है हमको कभी ऐसी बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी मिले ही ना कि हमको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा हो, बल्क डिस्काउंट मिल रहा हो मेरे सरप्लस कैश अवेलेबल होने से। तो कैश अगर मेरे पास कम होता है तो क्या फायदे है? मेरा पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है और रेगुलरली हमें इंटरेस्ट दे रहा है। और अगर हम पैसा बोरो करते हैं तो ऐसे में अपने पास अगर कम कैश रखते हैं तो निश्चित है इंटरेस्ट कम पे कर रहे हैं, तो कम कैश रखने का ये फायदा है। और अधिक कैश रखने का भी फायदा है, अगर आप अधिक कैश रखते हो तो ऐसे में आप बिजनेस की ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जो आपको कैश डिस्काउंट जैसी है उसे आप अवेल कर सकते हो। कैश मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मेरे पास जो भी कैश पड़ा हुआ है उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, और अगर कोई भी स्पेयर फंड पड़ा हुआ है तो उसका ऑप्टिमम यूज लेना इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, इसे कहा जाता है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के लिए हम लोग पहले दो इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज पढ़ेंगे और उसके बाद एक इंसान अपने आप कैसे कैश को मैनेज करता है वो भी सीखेंगे। मतलब हम कुल मिला के कहते हैं कैश मैनेजमेंट में हमें तीन चीजें करनी है, दो इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज और अपनी एक सेल्फ इवैल्यूएटेड थ्योरी। हम खुद कैश कैसे मैनेज करेंगे वो चीज सीखेंगे और दो इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज पढ़ेंगे। चलिए लिखिए, थ्योरीज ऑफ कैश मैनेजमेंट, थ्योरीज ऑफ कैश मैनेजमेंट। पहला बॉमल्स ईओक्यू मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट, बॉमल्स ईओक्यू मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट। बॉमल कहता है अगर आपको एक ऐसा कैश रखना है, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश अपने पास रखना है, आप अगर ये चाहते हो कि मेरा सरप्लस फंड हमेशा कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड हो, मेरे पास उतना ही फंड हो जितना हमें बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, तो ये कहता है कि आपके पास जितना भी फंड आए आप उसे रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहा करो। और हम आपको बताते हैं कि आपको एक बार अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा विड्रॉ करना चाहिए, मतलब जब भी पैसा आते जाए तो आप क्या करते जाइए, उसे इन्वेस्ट कीजिए, और हम आपको बताएंगे कि आपको कितना पैसा एक बार में विड्रॉ करना चाहिए। तो बॉमन हमें यह बताता है कि एक बार में जो विड्रॉल की साइज होगी, कैश विड्रॉल की जो साइज होगी मेरे इन्वेस्टमेंट से, वो कितनी होगी। और कैश विड्रॉल की साइज हम किस तरीके से डिटरमिन करेंगे वो बताता है कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट से पैसा विड्रॉ करते हैं तो हमें एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करना होता है। इसका यह मानना है कि जब भी हम सिक्योरिटी पे करते हैं, सिक्योरिटी खरीदते हैं या फिर सिक्योरिटी को बेचते हैं, तो हम कोई ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह हमको पे करना हो या फिर ब्रोकरेज पे करना हो, यानी हमारे पास से कुछ खर्चे लगते हैं। तो वो कहता है कि इस खर्चों को भी कंसिडर करना चाहिए कि आज मेरे पास 2 ही रुपया है, तुरंत हम उस पैसे को इन्वेस्ट करने लग जाएंगे तो ब्रोकरेज का खर्चा आएगा,
और तुरंत फिर निकालेंगे उसको, तो हो सकता है फिर ब्रोकरेज का खर्चा लगेगा। चार दिन के लिए हमने इन्वेस्ट किया था तो हो सकता है उसका इंटरेस्ट बल्कि कम पड़ गया हो, हमने ब्रोकरेज ही ज्यादा पे कर दिया इन्वेस्ट करते समय और फिर पैसा विदड्रॉ करते समय। तो ये कहता है साल भर की आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑन कैश और जो इंटरेस्ट कॉस्ट हम पे करेंगे, इन दोनों जो सबसे मिनिमम होगा जिस ट्रांजेक्शन साइज पे, एनुअल ट्रांजेक्शन कॉस्ट और आपकी एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी, उतना साइज ऑफ कैश हम हमेशा विदड्रॉ करेंगे। लिखिए, अकॉर्डिंग टू बॉमल ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश शुड बी विदड्रॉन एट अ टाइम। Optimum amount of cash means that level of cash at which Sum total of annual transaction cost and interest cost, sum total of annual transaction cost and interest cost is minimum. कैश से रिलेटेड दो खर्चे होते हैं, वन इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड द अदर इज इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर आपकी साल भर की कैश रिक्वायरमेंट मान लीजिए 1200 रुपए है, तो यह भी हो सकता है हम 100 रुपए महीना करके विड्रॉ करें अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है हम 600 रुपए 6 महीने पे विड्रॉ कर लें, 600 रुपए एक बार विड्रॉ कर लिए, फिर 600 रुपए अगले बार विड्रॉ कर लिए। तो मेरे पास कैश को विड्रॉ करने के कई सारे ऑप्शन होते हैं, मतलब कैश का विड्रॉल साइज बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगर आपका विड्रॉल साइज 100 रुपए तो मेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगा? ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट को परचेस करते हो या सेल करते हो तो आप ब्रोकरेज वगैरह पे कर रहे होगे, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करनी होती है। अगर मेरा कैश विड्रॉल साइज बड़ा होगा, एक बार में ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं, तो ऐसे में हमको बार बार पैसा नहीं निकालना होता है, मेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होगा। बेसिकली बॉमल ये मानता है कि आप जितनी बार ट्रांजेक्शन करोगे आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करनी होगी, ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट कॉस्ट हाई होगा। हम एक बार में ज्यादा पैसा निकाल के अपने पास रख लेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, अगर मेरा अपना पैसा था तो। और अगर हमारा अपना पैसा नहीं था, हमने लोन ले रखा है और ज्यादा पैसा बैंक से विड्रॉ करके यूज कर रहे हैं, रखे हुए हैं अपने पास, तो ऐसे में हम इंटरेस्ट कॉस्ट मेरी हाई हो जाती है। लेकिन पैरेलली देखिए, अगर हमारी कैश विड्रॉल साइज लो हो तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट मेरी अब हाई हो जाएगी। अगर हम छोटा छोटा पैसा विड्रॉ करते हैं, जब जरूरत पड़ती है 500 रुपए निकालते हैं, फिर जरूरत पड़ती है फिर 800 रुपए निकालते हैं, अगर इस तरीके से हम करते हैं तो मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगी। हम जितनी बार पैसा विड्रॉ करेंगे उतनी बार हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट बियर करेंगे, लेकिन मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट मेरी लो होगी, क्योंकि हमको जितना पैसा जरूरत पड़ता है उतना पैसा ही निकालते हैं और बैलेंस पैसा क्या है, बैंक में पड़ा हुआ है, तो ऐसे में मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो यानी कैश अधिक रखने के फायदे भी हैं, कैश अधिक रखने के घाटे भी हैं। आपको दिखाई दे रहा है कैश हम अधिक रखते हैं तो एक फायदा एक घाटा, ठीक है। कैश आप कम रखते हो तो देखिए एक घाटा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई है इंटरेस्ट कॉस्ट लो है, एक फायदा।
यानी आपके पास एक से अधिक अल्टरनेटिव भी हैं और दोनों अल्टरनेटिव्स के फायदे भी हैं और घाटे भी हैं। अब हमें प्लान करना है कि मेरे लिए कौन सा कैश विड्रॉल साइज ऑप्टिमम होगा। तो बॉमल आपकी हेल्प करता है इसमें, कहता है कि हम बताएंगे आपको ऑप्टिमम कैश विड्रॉल साइज क्या होगा। चलिए लिखिए, ऑप्टिमम कैश विड्रॉल साइज गिवन बाय बॉमल इज एज अंडर। लिखिए, रूट 280 अपॉन आई। वो कहते हैं ऑप्टिमम विड्रॉल साइज कैश का ये होगा, रूट 280 अपॉन आई। अब इसके नीचे लिखिए वेयर ए इज इक्वल टू, ए का मतलब क्या है लिख लीजिए, वेयर ए इज इक्वल टू एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, वेयर ए इज इक्वल टू एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। एनुअल कैश रिक्वायरमेंट मतलब कितना पैसा चाहिएगा, जितने पेमेंट्स करने हैं साल भर कैश में उसके लिए कितना कैश रिक्वायर्ड है। टी इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। तो उसके बाद लिखिए आई इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट रेट, आई इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट रेट। इससे वो क्या बता देगा, वो कहता है कि आप हमें अपनी एनुअल कैश रिक्वायरमेंट बताइए। बॉमल आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि आप हमको एनुअल कैश रिक्वायरमेंट बताइए, एक ट्रांजेक्शन पे कितना खर्चा लगता है वो बताइए, और आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है ये बताइए। तो हम इसकी मदद से आपको बता देंगे कि आपको एक बार में कितना कैश विड्रॉ करना चाहिए। अगर आप इतना अमाउंट ऑफ कैश एक बार में विड्रॉ करोगे तो ऐसे में क्या होगा, आपकी सम टोटल ऑफ एनुअल ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी। अब देखिए वो क्या कहता है, मान लीजिए उसने यहां पर बताया हमें, हमने उसे बताया था एनुअल कैश रिक्वायरमेंट 1200 रुपए, और उसने ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें बता दिया कि आपकी ऑप्टिमम कैश विड्रॉल साइज 100 रुपए है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 100 रुपए हर महीने अगर विड्रॉ करेंगे तो 1200 रुपए हो गया कि नहीं, हो गया। अगर हमने उसे खुद बताया कि 1200 रुपए एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है और वो हमें इस फॉर्मूले से बताता है कि देखिए आपको 100 रुपए विड्रॉ करना चाहिए, तो 100 रुपए अगर विड्रॉ करना है तो क्या बार विड्रॉ करना है, 12 बार विड्रॉ करेंगे हो जाएगा। अगर 12 बार विड्रॉ करना है यानी हर महीने विड्रॉ करना है, तो यहां पे एक प्लानिंग नहीं हो जाएगी, या तो 1 तारीख या 31 तारीख को, मतलब महीने की बिगनिंग में या फिर महीने के एंड में एक बार हम क्या करेंगे, 100 रुपए विड्रॉ कर लिया करेंगे। तो बॉमल ने कुछ इस तरीके की चीज आपको बता दी कि आप हमको एनुअल कैश रिक्वायरमेंट अपनी बताइए, हम आपको क्या करेंगे ये बताएंगे कि आपको एक बार में कितना पैसा विड्रॉ करना है। अगर बॉमल, हमने बॉमल को बताया कि देखिए 1200 रुपए हमारी एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है, बॉमल ने यह फॉर्मूला लगाया और आपको बताया कि 200 रुपए आपकी ऑप्टिमम कैश विड्रॉल साइज है, तो हमें साल भर में क्या बार विड्रॉ करना है, 6 बार विड्रॉ करना है। इसका मतलब क्या हुआ, हर 2-2 महीने पे हमको 200-200 रुपए विड्रॉ करते जाना है। बॉमल यहां तक हमारी हेल्प कर देता है। इसके बाद अब दूसरी थ्योरी देखते हैं। मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल, मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल वॉज गिवन बाय मिलर एंड और, दीज आर टू डिफरेंट पर्सन्स मिलर एंड और, इन दोनों ने मिलके ये एक थ्योरी बताई कैश मैनेजमेंट मॉडल की। इनका क्या कहना है, मिलर और का कहना यह है कि बॉमल थोड़ा सा नासमझ है, ये नासमझ है। ये कहता है कि आपको हम बताते हैं एनुअल आपकी कैश विड्रॉल की साइज क्या होगी, कहता है ये फिजिबल नहीं होता,
कैश जितना फ्रीक्वेंटली चेंज करने वाला आइटम कोई होता ही नहीं है। सबसे अनसर्टेनिटी अगर बिजनेस के किसी भी वेरिएबल में है तो दैट इज कैश। आज मेरे पास कितना कैश हो, कल मेरे पास कितना कैश होगा, ये कोई बिजनेसमैन जल्दी नहीं बता पाता आपको कौन कौन सा कैश कल आ जाएगा, यू डू नॉट नो। ये कहता है कि आपको 100 रुपए विड्रॉ कर लेना चाहिए, आपको अगर 1200 रुपए चाहिए तो 100 रुपए आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए, यानी हम तो प्लान करके बैठे हैं कि हर महीने की 1 तारीख को हम 100 रुपए विड्रॉ कर लेंगे। मिलर का क्या कहना है, वो कहता है कि मान लीजिए आपके पास 1 तारीख को ही 1000 रुपए आ गया है तो आप कैश डिपॉजिट करने के बारे में सोचोगे या कैश विड्रॉ करने के बारे में सोचोगे? अब तो डिपॉजिट करने के बारे में सोचोगे ना। ये तो सीधे सीधे आपको ये बताता था बौमल कि आप क्या कीजिएगा, आप अगर 1200 की रिक्वायरमेंट है, उसने फॉर्मूला लगाया और आपको बता दिया कि 100 रुपए आपकी ऑप्टिमम कैश विड्रॉल साइज है। तो हमने प्लान कर लिया बड़े अच्छे से कि अगर 100 रुपए हमको विड्रॉ करना है, 1200 रुपए रिक्वायरमेंट है, यानी हर महीने 100 रुपए निकाल लेना है। हमने प्लान कर लिया हर महीने की 1 तारीख को 100 रुपए निकालेंगे। मिलर का कहना है कि आप हर महीने की 1 तारीख को 100 रुपए निकालोगे, ऐसी प्लानिंग हो ही नहीं सकती। अगर मान लो 1 तारीख को आपके पास 1000 रुपए आ जाता है तो आप जमा करने की सोचोगे या अभी और निकालने की सोचोगे? कैश जितना अनसर्टेन आइटम कोई नहीं होता। कैश के लिए ऐसी मैनेजमेंट बेकार है। हम कभी भी ये नहीं प्लान कर सकते हैं कि हमें कितना कैश विड्रॉ करना चाहिए। हम ये प्लान करना चाहिए कि हमें अपने पास कम से कम कितना कैश रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना कैश रखना चाहिए, और क्या मेरा एक बेस लेवल होगा, एक रिटर्न लेवल होगा, किसके इर्द गिर्द हमें कैश रखना चाहिए, किस लेवल के इर्द गिर्द हमें कैश रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना कैश रखना चाहिए ये डिसाइड करना होगा। अगर उससे ज्यादा कैश हो जाए तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, और अगर आपने जो मिनिमम लेवल डिसाइड कर रखा है उससे कम हो जाए कैश तो आप कैश को विड्रॉ कर लीजिए। यानी आपको लेवल ऑफ कैश डिसाइड करना चाहिए कि मेरे पास कितना होना चाहिए, आपको कितना कैश विड्रॉ करना है ये डिसाइड नहीं करना चाहिए। अगर आपने प्लान किया कि आपको कितना कैश विड्रॉ करना है तो ऐसे में यही होगा कि जिस दिन हो सकता है आपके पास बहुत कैश था, जिस दिन आपको डिपॉजिट के डिसीजंस लेने थे, आप उस दिन कौन सा डिसीजन ले रहे हो? विड्रॉल के डिसीजन। ठीक है, तो कहता है कि ये मैनेजमेंट ठीक वर्क नहीं करेगी, हम आपको मैनेजमेंट बताते हैं कैसे होना चाहिए। ठीक है, लिखिए पहले। अकॉर्डिंग टू हिम flow of cash is very uncertain. One should not decide the amount of cash to be withdrawn at a time. Instead, should plan for minimum level, maximum level, and return level. If the cash reaches minimum level, the amount of cash should be withdrawn by sale of securities so as to reach return level. If the cash level touches maximum level, securities should be purchased
so as to bring the cash level down to, so as to bring the cash level down to return level. चलिए इस बात को समझते हैं जो आपने लिखा है अभी. मिनिमम लेवल, इसे एल बोलते हैं, लोअर लेवल. मैक्सिमम लेवल, इसे अपर लेवल बोलते हैं, यू. हम रिटर्न लेवल, इसे आर बोलते हैं. वो क्या कहता है? कहता है कि आपका कैश हमेशा, ये बताइए कि ऑन एन एवरेज आपका कैश कितना रहता है. ठीक है, मतलब जो हमेशा कैश रहता है दैट इज रिटर्न लेवल. कहता है आप इसी के इर्द गिर्द घूमिए, लेकिन कभी भी अगर आपका कैश लेवल इसको आके टच कर जाए, यहां पे टच कर जाए, तो ये मिनिमम लेवल हो गया. आप तुरंत यहां पे क्या कीजिएगा? सिक्योरिटी को सेल कीजिए. सिक्योरिटी सेल कर दीजिए. कितनी सिक्योरिटी सेल कीजिए? इतना सेल कीजिए कि आपका कैश लेवल कहां पे टच कर जाए? यहां पे, वापस से रिटर्न लेवल पे आ जाए. और फिर आपका कैश जैसे ही रिटर्न लेवल पे आ गया है, फिर आपके ट्रांजेक्शन शुरू हो चुके हैं. आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये रहा. कभी आपका कैश मैक्सिमम लेवल को टच कर गया? अगर मैक्सिमम लेवल ऑफ कैश टच कर जाए तो आप क्या कीजिए? सिक्योरिटी परचेज कर लीजिए. यहां पे कितनी सिक्योरिटी परचेज कर लीजिए ताकि आपका कैश लेवल डाउन होके देखिए यहां तक गिर जाए. ठीक है, इतनी सिक्योरिटी परचेज कर लेंगे कि मेरा कैश लेवल यहां से यहां तक हो जाए. फिर उसके बाद मेरा ट्रांजेक्शन चल रहा है. फिर कभी ऐसा हुआ कि अगर मिनिमम लेवल को टच करेगा तो हम सिक्योरिटी को सेल करके वापस रिटर्न लेवल तक पहुंच जाएंगे, और इनकेस मैक्सिमम लेवल को टच करेगा तो फिर से सिक्योरिटी को परचेस करके वापस यहां तक आ जाएंगे. ठीक है, तो मिलर रोड ने क्या कहा? कहा आप ये मत सोचिए कि हमें कैश कितना ऑप्टिमम साइज विड्रॉ करना चाहिए, बल्कि ये डिसाइड कीजिए कि आपको मिनिमम लेवल ऑफ कैश कितना रखना है, रिटर्न लेवल किसके इर्द गिर्द कैश रखना है, और मैक्सिमम कितना कैश रखना है, ये डिसाइड कीजिए. और हमेशा जब मिनिमम और मैक्सिमम लेवल को टच करेगा तो आप रिटर्न लेवल पे आ जाना, और इसके बीच अगर घूम रहे हो तो कुछ मत करो. ठीक है ये बात. अब देखिए लोगों का क्या कहना था. कहना था कि मिलर और ये आपने क्या किया? आप तो कह रहे हो हमने एक थ्योरी दी, जब सब कुछ हम ही बता देंगे. देखिए अगर मिलर हो हमसे ये कहे कि आप बताइए कि आपका रिटर्न लेवल क्या है, मिनिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है, हम कहेंगे अगर हमको इतना सब कुछ मालूम ही है तो हम अपनी कैश मैनेजमेंट खुद ही नहीं कर लेंगे. तो आपने हमको क्या बता दिया ऐसा? देखो बॉमल तो कितनी अच्छी बात बता रहा था ना. बॉमल तो क्या कह रहा था हम बताते हैं आपको कितना कैश विड्रॉ करना चाहिए. अरे मैनेजमेंट अगर कोई हमें बता रहा है तो ठीक से बताए ना. अगर सब चीज हम ही बता देंगे, हम बता देंगे अपने बिजनेस का मिनिमम लेवल कैश कितना है, रिटर्न लेवल कैश कितना है, मैक्सिमम लेवल कैश कितना है, तो मिलर और तुमने क्या बताया? आपको नहीं लगता कि इसने कुछ बताया ही नहीं? फिर तो सब चीज अगर हम ही बता देंगे तो फिर ये क्या बताएगा? बॉमल ठीक बता रहा था. बॉमल कह रहा था देखिए इतना कैश विड्रॉ कीजिए, आप अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट बताइए, एक ट्रांजेक्शन की कॉस्ट बताइए, इंटरेस्ट बताइए आपका कितना है पर एनम, हम बताते हैं आपको कितना कैश विड्रॉ करना चाहिए. लोगों ने इसकी थ्योरी को इस तरीके से नहीं समझा. तो अब इन्होंने कहा कि हम भी अपनी थ्योरी को क्या करते हैं, सुटेबली चेंज करते हैं, और उसी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे जिस लैंग्वेज में किसने समझाया था? बॉमल ने. अब ये मिलर और भी अपनी इसी थ्योरी को, जो मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और रिटर्न लेवल वाली थ्योरी है, इसको भी उसी लैंग्वेज में समझाने जा रहा है जिस लैंग्वेज में बॉमल ने समझाया था. बॉमल की बात सबको समझ में आ रही थी कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल कितना होना चाहिए. तो कहा कौन सा हम नहीं बता पाएंगे आपको? ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल ये कितना बता रहा है? ये बता तो रहा है, ये देखिए वो यही तो कह रहा है कि आप सेल्स यहां पे जब आप पहुंच जाओगे तो सिक्योरिटी को सेल कीजिएगा,
और कितना सेल कीजिएगा ताकि आप यहां से उठ के यहां तक पहुंच जाओ। तो उन्होंने कहा देखिए हमने बता दिया ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश विथड्रॉल जेड, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि आप ये बताओ, आप ये तो बता सकते हो ना कि मेरे बिजनेस के लिए मिनिमम लेवल ऑफ कैश रिक्वायर्ड कितना है, बताइए। ये तो सब कोई को बताना पड़ेगा, आपने अभी कुछ दिन पहले हमसे पढ़ा है कोर करंट एसेट, मेरे बिजनेस की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है ये तो कौन बताएगा, हम ही बताएंगे। मेरे अलावा ये कोई नहीं बता सकता है कि मेरा बिजनेस कम से कम कितने पे स्टे करता है, तो मिनिमम कैश लेवल तो हमको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये कहता है मिलर, वो कहता है बस आप हमको मिनिमम बताइए, बाकी सब कुछ हम समझ लेंगे, ठीक है। आप हमको अपनी कैश के फ्लोस के तरीके बताइए, किस तरीके से आपका कैश फ्लो होता है, क्योंकि कैश फ्लो हर बिजनेस का बड़ा अनसर्टेन होता है। आप अगर कहते हो कि मेरा 1200 रुपए साल भर का खर्चा है, तो हम ये नहीं मान सकते कि एक महीने का 100 रुपया का खर्चा, ये नहीं मान सकते कि एक दिन का खर्चा 100 डिवाइडेड बाई 30। वो कहता है कैश का फ्लो बड़ा अनसर्टेन होता है, हर बिजनेस के फ्लो को समझना बहुत जरूरी होता है, उसी के हिसाब से बताया जा सकता है कि आपको कैश कितना विड्रॉ करना चाहिए। तो आप हमको अपने कैश के फ्लोस का तरीका बताइए और ये बताइए कि मिनिमम लेवल ऑफ कैश कितना रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस के लिए, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम बताएंगे आपको कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल कितना होना चाहिए। तो अब वो हमें बताने जा रहा है कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल यानी कि जेड कितना होगा, लेकिन हमें उसे बताना पड़ेगा कि मिनिमम लेवल कितना है, क्योंकि एक बिजनेस की कोर करंट एसेट दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट्स, ये उस क्लाइंट के अलावा और कोई नहीं बता सकता, कोई मैनेजमेंट करने वाला ये नहीं बता सकता कि आपके बिजनेस में कम से कम कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है, कितने डेटर की रिक्वायरमेंट है, ये कोई नहीं बोल सकता। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम क्या करेंगे, आपको अगर जेड बता देंगे तो आपको रिटर्न लेवल पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि आप जितना कैश एक बार में विड्रॉ करते हो उसका कम से कम दुगना कैश और आपके पास रिटर्न लेवल के ऊपर हो जाए तब आप सिक्योरिटी परचेज करना। यानी अगर हम कैश 100 रुपए एक बार में विड्रॉ करते हैं रिटर्न लेवल तक पहुंचने के लिए, तो रिटर्न लेवल से कम 200 रुपया ऊपर कैश हो जाए तब जाके सिक्योरिटी परचेज करना, ठीक है। मतलब तुरंत परचेज करने मत चले जाना, 100 रुपया अगर आप एक बार में विड्रॉ करते हो तो 100 रुपया अगर एडिशनली हो जाता है तो जमा करने मत पहुंचना। जमा करने पैसा कब पहुंचना, जब 200 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा हो जाए। यानी वो ये बताता है कि बस मेरी एक बात ये मानिए कि अगर आपका ये जेड है तो ये कितना होना चाहिए, 2Z जितना। और फर्दर वो कहता है कि अब जेड हम बता देंगे, अगर हम जेड बता देंगे तो उसको सब कुछ पता चल गया कि नहीं, उस बिजनेस को कैश मैनेजमेंट कैसे करना है पता चल गया, क्योंकि उसने हमें बता दिया है, क्लाइंट हमें बताएगा मिनिमम लेवल अपना बताएगा एल, हम उसको जेड बता देंगे तो वो क्या निकाल लेगा अपना रिटर्न लेवल, और अगर हम जेड उसको बता देंगे तो 2Z और लगा देगा रिटर्न लेवल के ऊपर, तो क्या बता देगा वो अपना मैक्सिमम लेवल। यानी आप सीधे सीधे ऐसे कह सकते हो मिनिमम लेवल प्लस जेड करेंगे तो रिटर्न लेवल, और मिनिमम लेवल पे 3Z लगा देंगे तो मैक्सिमम लेवल, ठीक है। मैक्सिमम लेवल से मिनिमम लेवल का जो डिस्टेंस होता है, जो डिफरेंस होता है कैश का, इसे कहा जाता है स्प्रेड। यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है इसे कहा जाता है स्प्रेड। अब देखिए उसने जेड क्या बताया, जेड इज इक्वल टू क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है, अंडर 3TV अपॉन 4i, आई छोटा वाला, सर एक बात तो घबराहट यहीं पे हो गई है, अब ये सब अब ये क्यू रूट भी अब आएगा, घबराहट अभी और बढ़ेगी। लिखिए वेयर टी इज इक्वल टू लिख देते हैं, वेयर टी इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, V is equal to variance of daily cash flow per annum। ये भगवान ये क्या आ गया, वेरियंस, अब यही दिन देखना बाकी था,
आई इज इक्वल टू डेली इंटरेस्ट रेट, चलिए बताइए वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही क्या है? वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि मीन से कितना वेरी कर रहे हो आप। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये मतलब होता है कि मीन से कितना वेरी कर रहे हैं, यानी 10, 12 और 14 का मीन कितना आएगा? 12। कितना ज्यादा वेरी करते हैं 10 से अपने मीन से, मतलब मिड पॉइंट से कितना ज्यादा वेरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरियंस, ठीक है। जब हम उसको वेरियंस बताएंगे तभी तो वो बता पाएगा कि आपको क्या करना है, कितना कैश विदड्रॉ करना है, क्योंकि वो यही तो कह रहा था कैश अनसर्टेन होता है। आप जरा हमको पूरा डाटा दीजिए अपना, कितना कैश आता है, तो वो देखेगा कि आप मीन से कितना वेरी करता है आपका कैश, ठीक है। आपको वेरियंस कभी कैलकुलेट नहीं करना होगा एग्जाम में, परेशान नहीं होइएगा। आपको वेरियंस हमेशा एग्जाम में दिया होगा, या बहुत करेगा तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा। हमारी नॉलेज के लिए कितना बस जरूरी है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरियंस होता है। तो एग्जाम के लिए इतना बहुत है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरियंस है, ठीक है। लेकिन आपको एक से अधिक स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस दिया होगा क्वेश्चन में, आपको पहचानना होगा कि मेरी क्या जरूरत है। तो पहले अगर हम लिखते हैं वेरियंस ऑफ डेली कैश फ्लो पर एनम, तो इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। इसके लिए एक बार कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन की बात करेंगे वेरियंसेस की, सो दैट आप जो वेरियंस निकाला करते थे वो कौन सा वेरियंस होता था। आप जब निकालते थे सीपीटी में तो क्या बोलते थे? बस वेरियंस बोल देते थे। व्हाट एग्जैक्टली इट वाज, वो कौन सा वेरियंस था, इसकी बात कर लेते हैं पहले। मान लीजिए हम आपको डेज और यहां पर डाटा देते हैं कैश फ्लो, वेरियंसेस आप किसमें निकालते हो? कोई भी चीज जो रेगुलरली वेरी करती है। हम रोज के प्रॉफिट का वेरियंस निकाल सकते हैं, रोज के कैश फ्लो का वेरियंस निकाल सकते हैं, रोज के सिर्फ कैश इनफ्लो का वेरियंस निकाल सकते हैं, रोज के कैश के आउटफ्लो का सिर्फ वेरियंस निकाल सकते हैं। हम डेज में लेते हैं 1, 2, 3, 4 पूरा 30 तारीख तक, महीना 30 ही दिन का है ये मानते हुए, ठीक है। 1 से लेकर 30 तारीख तक का हमने पूरा कैश फ्लो लिया, यहां पर कुछ है 10, 12, 13, 18, फिर 9, 6, इस तरीके से 30 दिन का हमने कैश फ्लो ले लिया, इसका मीन निकाल लिया। अब उसके बाद इसका वेरियंस निकाल लिया, इस वेरियंस को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा वेरियंस ऑफ डेली कैश फ्लो, इसे कहा जाएगा वेरियंस ऑफ डेली कैश फ्लो पर मंथ, इसे कहा जाएगा वेरियंस ऑफ डेली कैश फ्लो पर मंथ। मान लीजिए यहां पे हम डेज की जगह मंथ कर दें, यहां पे हमने डेज हटा दिया, इसकी जगह मंथ कर दिया, 1 से लेकर 12 तक, ठीक है, इसकी टोटल ले लिया। अब ये क्या कहलाएगा? वेरियंस ऑफ मंथली कैश फ्लो पर एनम। तो आपको समझ में आ गया, अगर आपको 3-4 इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंसेस की दी हो तो मेरे जरूरत की कौन सी है वो हम पहचान लेंगे। हमें यूज करना है वेरियंस ऑफ डेली कैश फ्लो। डेली का मतलब यहां पर किससे है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, कितनी जल्दी जल्दी डाटा दिया हुआ है, डेली दिया हुआ है, मंथली दिया हुआ है, ये देखना है। यहां पर एनम का क्या मतलब है? पीरियड ऑफ डाटा, कितनी जल्दी जल्दी डाटा दिया हुआ है, महीने महीने का डाटा दिया हुआ है, आपको रोज रोज का डाटा दिया हुआ है, ये पहले लिखा जाता है। जब हम लिखते हैं वेरियंस ऑफ डेली कैश फ्लो पर एनम, तो इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा पहले लिखा जाता है और फिर बाद में लिखा जाता है पीरियड ऑफ डाटा, ठीक है। चलिए एक हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आपको बताना है इस वेरियंस का नाम क्या होगा, ठीक है। हम वेरियंस का आपको डाटा दे रहे हैं, बस आपको नाम बताना है। आपको एग्जाम में कभी भी वेरियंस कैलकुलेट नहीं करना होगा, आपको स्टैट्स नहीं करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आपको वेरियंस कैलकुलेटेड दिया हुआ होगा, बस हमें पहचानना जरूरी होगा कि हमें वेरियंस कौन सा चाहिए। देखिए आपको दिया हुआ है आवर्स और यहां दिया हुआ है कैश फ्लो, ठीक है। आवर्स में हम आपको क्या दिए हैं? रात को 12 बजे, ठीक है, 12 PM, फिर उसके बाद 1 PM, फिर 2 PM, इस तरीके से शुरू हो रहा है और पूरे दिन भर का फिर वापस से 12 बजे तक आपको लास्ट डाटा दिया हुआ है 11 PM तक का, ठीक है।
इसकी टोटल की गई है कैश फ्लो की। अब इसको हम क्या कहेंगे अगर हमने इसका वेरियंस निकाला है तो? हम बोलते हैं, आप बताइए ठीक बोल रहे हैं कि नहीं, वेरियंस ऑफ आवरली कैश फ्लो पर डे। हाँ ठीक बोला, वेरियंस ऑफ आवरली कैश फ्लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा यहां पे आवरली है और जो टोटल पीरियड ऑफ डाटा है वो एक दिन का है। ठीक है ये बात हमें।